वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुकविथ लम्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको टोस्ट से रेसिपी बनाना बताऊँगी बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने टोस्ट ले लिए हैं, जो हम नॉर्मली घरों में चाय के साथ खाते हैं वो वाले हैं ये। तो मैंने 15 से 16 टोस्ट लिए हैं। आपको रेसिपी में जितनी ज़रूरत हो, जितनी की आप बनाना चाहें उतना टोस्ट ले सकते हैं। तो इनको एक साइड रख देंगे। इधर हम एक कढ़ाई लेते हैं और दूध को बॉईल होने रख देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप भर के फुल फैट क्रीम दूध लिया है, क्योंकि फुल क्रीम दूध लेने से क्या होता है, टेस्ट ही थोड़ा ज़्यादा ही रेसिपी लगती है। तो दूध को हम लो फ्लेम पर बॉईल होने देते हैं और आगे हमें क्या तैयारी करनी है वो हम देख लेते हैं जब तक दूध बॉईल हो रहा है। तो इधर मैंने एक बाउल लिया है और बाउल में हम डाल देते हैं 1 चम्मच भर के ये कस्टर्ड पाउडर है, होममेड कस्टर्ड पाउडर है। कस्टर्ड पाउडर घर में कैसे बनाते हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यहाँ मैंने 1/2 चम्मच और डाल दिया है, मतलब टोटल 1.5 चम्मच हमने भर के कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। और थोड़ा सा इसमें दूध डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, फुल वॉच करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसमें हमें घोल लेना है इसको, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो घोल है हमारा कस्टर्ड पाउडर का वो हमें बिल्कुल लम्स फ्री बनाना है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप मेरी जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी सभी यूट्यूबर फैमिली को। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस की। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी हमारी जो रेसिपी बनेगी उसमें। तो इसको भी हम घोल लेते हैं। तो बातों बातों में पता ही नहीं चला कि ये भी घुल के रेडी हो गया है। इधर दूध भी हमारा काफ़ी बॉयल हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे जिस वक्त हम ये अपना जो कस्टर्ड पाउडर डालेंगे उस वक्त के लिए, ताकि इसमें किसी भी तरह से लम्स ना बने डालते समय। तो गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है इस वक्त, दूध को भी अच्छे से बॉयल होने दिया है। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए हमने इसमें अब कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है, गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये मैंने प्रोसेस इसलिए किया ताकि हमारे जो हमने ये कस्टर्ड बनाया है इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने और आजू बाजू से इसकी मलाई को छुटाते हुए अच्छे से इसको हम बॉईल कर लेते हैं। बॉईल आप देख पा रहे हैं इसी तरह से एकदम से बढ़िया तरीके से बॉईल होना चाहिए। अब इसको हमें हल्का सा मीठा करना है, तो 2 चम्मच भर के मैंने इसमें चीनी डाली है। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, क्योंकि जो रस के हैं हमारे वो भी बहुत मीठे हैं, इसलिए हमें इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना है। ज़्यादा मीठा मीठा फिर वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसमें भी हम 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस की डाल देंगे, ताकि जो हमारी रेसिपी है वो वनीला एसेंस की लगे खाने में। और ये जो कस्टर्ड पाउडर था वो भी मैंने वनीला एसेंस का ही लिया था, वनीला फ्लेवर का, और मैंने एसेंस भी डाल दिया है। तब तो फिर है ना हमारी रेसिपी ही वनीला फ्लेवर की बन चुकी है। तो चलिए यहाँ मैं एक बाउल लेती हूँ दूसरा, उसमें पिसी हुई चीनी डाल देते हैं हम 2 से 3 चम्मच। आप जितना मीठा खाना पसंद करें उस हिसाब से अपनी रेसिपी को बना सकते हैं। तो 2 चम्मच चीनी लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे देसी कोटेड पाउडर। ये मैंने 1/2 कप ही लिया है और ये भी मैंने घर में ही बनाया था। अगर आप इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं घर में देसी कोटेड कोकोनट कैसे बनाएं, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और यहाँ मैंने ली है घर की फ्रेश मलाई, ये भी मैंने 1/2 कप ही ली है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। जैसे मेरी रेसिपी बनके रेडी हुई है ना, और घर में मेरे यहाँ सभी लोगों ने बहुत पसंद की है, तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ भी जो मीठा खाने के शौकीन हैं उन्हें ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आप टेंशन फ्री होके बनाइएगा। यहाँ मैंने क्या किया है, बादाम है जो इनको पानी में भीगने के लिए रख दिया था, अच्छे से ये फूल गए हैं, और अब हम इनका जो ऊपर का जो छिक्कल है वो हम निकाल देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सारे छिक्कल बहुत ईजी तरीके से निकल जाते हैं जब हम बादाम को पानी में भिगो देते हैं। तो सारे बादाम हमारे जो छिलके रेडी हो चुके हैं, हमने सारे बादाम को छील लिया है, और अब हम इनको कट कर लेंगे, बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करेंगे। भीगने के बाद इनकी स्लाइसेस बहुत अच्छी तरीके से कट जाती है, तो इस तरीके से हम इन सभी को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए कितने प्यारे स्लाइसेस कटे हैं, एकदम पतले पतले से, जैसे चिप्स के स्लाइसेस काटते हैं ना बिल्कुल टूटे फटे बिना, वैसे ही इनके भी स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। तो यहाँ मैंने एक डब्बा लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, आप लंच बॉक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये अपना अखरोट वाला डब्बा ले लिया है, इसमें मेरे अखरोट आए थे, सॉरी खजूर आए थे इसमें। तो अब हम इसमें टोस्ट की एक लेयर लगा देंगे नीचे, और उसके बाद ये जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर से हमने जो घोल बनाया था, पेस्ट बनाया है, उसको अप्लाई कर देते हैं। पूरा कोट कर देंगे हम अपने जो टोस्ट रहे हमारे उनको। बातों बातों में कब रेसिपी बनके रेडी हो जाती है कुछ भी पता ही नहीं चलता है। मेरा तो मन करता है मैं पूरे दिन रेसिपी अपलोड करूं और आपसे बातें करती रहूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी पूरी यूट्यूबर फैमिली को मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये लीजिए, मैंने इसमें बादाम की जो डेसिकेटेड कोकोनट की लेयर थी वो भी लगा दी है अच्छी तरीके से। मैंने पूरा डेसिकेटेड कोकोनट का जो पेस्ट बनाया था वो अप्लाई कर दिया है। इसके ऊपर मैंने जो कस्टर्ड बनाया था उसको अप्लाई कर दिया है। कस्टर्ड हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जब हमने गैस का फ्लेम ऑफ किया था तब पतला था, लेकिन अब ठंडा होने के बाद एकदम से गाढ़ा हो गया है वो। और उसके ऊपर अब ये देखिए हम लगा देते हैं एक और टोस्ट की कोटिंग, मतलब एक और टोस्ट की लेयर लगा देते हैं। और अगर कहीं पे थोड़ा सा स्पेस है तो हम टूटे हुए टोस्ट को वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसको हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अब क्या करेंगे हम, इसके ऊपर जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो हम पूरा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देते हैं। रेसिपी सच में बहुत टेस्टी बनेगी, हमारे यहाँ तो भाई ये बहुत पसंद की जाती है। मैं अक्सर इसको गर्मियों में बना के खाना पसंद करती हूँ, पर अभी रक्षाबंधन का त्यौहार है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वीडियो शेयर करी जाए और आप लोगों को ये रेसिपी बनाना बताया जाए, ताकि आप लोग भी अपने भाइयों के लिए बना सकेंगे रेसिपी। तो जो हमने बादाम कट किए थे उनको हमें अपनी रेसिपी के आजू बाजू सेट कर देना है। आप इसको फ्रिज में सेट करने के बाद भी गार्निश कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, पर मैंने क्या किया, थोड़ा जल्दी काम करने की वजह से मैंने इसको अभी से सेट कर दिया है। आप जब भी ये रेसिपी बनाए ना, तो इसको बादाम की जो कतरन बनाई है वो हम बीच में डाल देते हैं, तो इस रेसिपी को आप ठंडा करके ही इसको गार्निश करें। तो अब हम इसको जब इसको गार्निश कर देंगे, ये मैंने थोड़ी सी चेरी मेरे पास रखी थी तो वो मैं अप्लाई कर देती हूँ, उसको थोड़ा मैंने बारीक बारीक कर लिया है, तो इसको जो लुक है देखने में और भी प्यारा आ गया है चेरी की वजह से। मेरे पास एक ही कलर की चेरी थी, तो अब हम इसको ढक्कन बंद करके इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। बहुत ही प्यारी लग रही है ये देखने में। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम गुलाब की पत्तियों से और गार्निश कर देते हैं, और भी अच्छा टेस्ट और देखने में और लुकिंग बाई गुड दिखनी चाहिए ये। तो ये लीजिए, ये ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैंने इसको 1 घंटे के लिए ही फ्रिज में रखा था, ताकि ये ज़्यादा चिल्ड ना हो जाए और इस रेसिपी को खाने के बजाय आप लोगों का गला ना ख़राब हो जाए।
इसलिए मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, बस ये अपने आप में अच्छे से सेट हो जाए। देखिए कीजिए इजी तरीके से इसके जो पीसेस हैं वो निकल आ रहे हैं और कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है हमारी ये रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही टेस्टी, एकदम रबड़ी के जैसी। तो ट्राई ज़रूर करिए, मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।